अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ क्लासेस एंड फ्रेजेस। वी कैन रीड इट इजीली बाय डिफरेंशिएटिंग क्लासेस एंड फ्रेजेस। सो लेट्स सी व्हाट इज फ्रेजेस एंड क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड आउट फ्रेजेस। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैविंग इनकम्प्लीट मीनिंग इज कॉल्ड एज फ्रेज। मीन्स से जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो हमें इनकम्प्लीट मीनिंग जब भी देगी वो कहलाएगी फ्रेज। जबकि क्लास की डेफिनेशन देखते हैं हम, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैविंग मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड एज क्लास। मीन्स टू से कि जो पार्ट ऑफ सेंटेंस हमें कम्प्लीट सेंस देता है वो कहलाता है क्लास, और जो इनकम्प्लीट सेंस देता है उसे हम कहेंगे फ्रेज। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फ्रेज का, पार्ट ऑफ सेंटेंस कन्वेज आ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड मैसेज। मीन्स टू से कि राइटर की बात इनकम्प्लीट है, वो जो हमें कहना चाहता है, सो वो पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एज फ्रेज। नेक्स्ट क्लास का न्यू पॉइंट देखेंगे हम, पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग फुल मीनिंग। मीन्स टू से कि जो राइटर ने जो कहना था हमें वो इजीली कह दिया, और उस पॉइंट में जिस पार्ट में वो बात कम्प्लीटली हमें समझ आ रही है, अंडरस्टैंडेबल है, वो वाला क्लास कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेज का देखेंगे, इट क्रिएट्स सो मच कन्फ्यूजन बिकॉज वो आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ राइटर, सो इट क्रिएट्स सो मच कन्फ्यूजन। ऑन द अदर हैंड क्लास इट क्रिएट्स नो डाउट्स बिकॉज द पॉइंट ऑफ राइटर वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड बिकॉज इट कन्वेज फुल मीनिंग ऑफ द राइटर। मीन्स टू से कि फ्रेज जो होता है उसमें राइटर की बात इनकम्प्लीट होती है, इसलिए हम उसे जब पढ़ते हैं तो ऊपर वाले जो पैराग्राफ्स होते हैं उसके नीचे होते हैं उस एक पार्ट के, उसमें सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। जबकि क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता, जब हम जो वर्ड पढ़ रहे हैं उसका फुल मीनिंग हमें दिया गया होता है। इन फ्रेज हैविंग नो वर्ब्स नो टेंसेस, ऑन द अदर हैंड क्लास हैव वर्ब आल्सो हैविंग टेंसेस एंड द अदर पॉइंट ऑफ फ्रेज आइदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इज प्रेजेंट, बट इन क्लासेस बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर प्रेजेंट इन द सेंटेंस। मीन्स उसके फ्रेज वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा जिसमें या तो सब्जेक्ट होगा या प्रेडिकेट होगा, ये दोनों चीज़ें नहीं रख सकता। ओनली वन थिंग इज प्रेजेंट इन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस देन इट इज कॉल्ड एज ए फ्रेज, बट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग बोथ प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड एज अ क्लास। ये थी, इन दोनों का डिफरेंशिएट करके हमने अंडरस्टैंड किया, इनकी डेफिनेशंस देखी है, इनके फंक्शंस वगैरह देखे हैं। नेक्स्ट हम इन दोनों फ्रेजेस एंड क्लासेस का डिफरेंशिएट करने के लिए एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एग्जांपल ऑफ फ्रेज, इन द स्काई। हेयर स्काई इज अ सब्जेक्ट बट प्रेडिकेट इज मिसिंग, सो इट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेज। ऑन द अदर हैंड एग्जाम्पल ऑफ क्लास, अ बर्ड फ्लाई इन द स्काई। हेयर अ बर्ड इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट एंड द स्काई इज अ प्रेडिकेट बिकॉज इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल, हु इज गोइंग टू स्कूल, वाई ही इज गोइंग टू स्कूल, मीन्स उसके क्वेश्चन रेज करता है, वो फ्रेज होता है। इसमें हमें गोइंग टू स्कूल तो है लेकिन सब्जेक्ट मिसिंग है, प्रेडिकेट दिया गया, तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रेज की। इन क्लास मिसबा इज गोइंग टू स्कूल कॉलेज, मिसबा इज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट एंड गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज इज द प्रेडिकेट, सो इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स भी इसी तरह है कि किसी में फ्रेज में अबलू वर्ड है, जैसे इसमें सिर्फ हमें सब्जेक्ट दिया गया, प्रेडिकेट नहीं दिया गया, जबकि हम क्लास में देखें अबलू बर्ड फ्लाइज इन द एयर, हमें सब्जेक्ट भी दिया गया है और प्रेडिकेट भी दिया गया है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट अबाउट फ्रेज एंड क्लासेस, एंड आई ऑल्सो होप दैट यू लाइक इट।